कथा सुन रहे हैं तो उनका उद्देश्य एक धार्मिक उद्देश्य है, लेकिन बालक को तो पूरा जीवन जीना है। यदि उस समय उसे भगवान के नियम पता चल गए, अपराधत्व का बोध हो गया, तो जीवन कैसा स्वर्णिम होगा, कैसा आनंद से भरा होगा, कैसा वो बन जाएगा जो कार्य करेगा उसमें अपराध के भाव नहीं होगा, उसमें अपराध का कोई कहीं अंश नहीं आएगा। एक गांव में मेला लगा है, हर वर्ष लगता है, बड़ा मेला है। एक बहुत बुढ़िया अम्मा वहां मेले में आई है, 70-80 वर्ष की माया आज मेला देखने आई है, हर साल आती है। मेला का आखिरी दिन है, एक दर्पण की दुकान वहां लगी है, दर्पण बिक रहे हैं। वो बुढ़िया अम्मा वहां पहुंच गई दर्पण की दुकान पर और उसने एक दर्पण उठाया कि ये दर्पण कितने का है। दुकानदार बोला ये दर्पण 2 रुपए का है। तो बुढ़िया अम्मा को लगा 2 रुपया तो बहुत ज्यादा है, बोले कि ये इतना महंगा, ये तो बहुत है, मैं नहीं ले पाऊंगी। तो जो व्यापारी था बोला कि मैया ऐसा इसे रख दो, सस्ता वाला भी है, 1.5 रुपया वाला ले लो। तो मैया ने 1.5 रुपए वाला दर्पण उठाया, देखा कि ये भी तो बहुत महंगा है, इतना महंगा मैं कैसे लूंगी। तो बोली इसे रख दो, आप और छोटा ले लो, दर्पण ले लो, 50 पैसे वाले भी हैं, 1 रुपया वाला भी है, वो ले। तो मैया ने छोटा वाला उठाया और उसमें अपनी शकल देखने लगी, जैसे सब में देख रही थी। तो शकल देखते देखते वो उससे बोली व्यापारी से कि इसका 50 पैसा भी तो बहुत महंगा है, देखो तो मैं इसमें कैसी वृद्ध दिख रही हूं, ये मेरी झुर्रियां दिख रही हैं, सफेद बाल दिख रहे हैं। पहले जब हम मेले में आते थे और मैं दर्पण लेती थी तो मैं कैसी सुंदर दिखती थी उस दर्पण में। तो व्यापारी बोला मैया मैया सुनो, ये दर्पण यही रख दो। बोले आप जब 20-25-40 साल पहले आती थी तब आप युवा थी, तो तब तो आप परी जैसी दिखती होगी, सुंदर दिखती होगी, तो इसमें दर्पण का कोई दोष नहीं है। आज आप जैसे हैं वैसे इस दर्पण में नजर आ रहे हैं। जो फोटोग्राफ्स होता है पिक्चर, उस तो आप जेब में रख लीजिए और 40 साल बाद देखिए उसे, तो वो वैसा ही दिखेगा जैसा आपका बचपन में फोटो खींचा गया था। वो वृद्धावस्था में भी आप देखेंगे तो वो वैसा ही दिखेगा, लेकिन दर्पण आपकी वर्तमान स्थिति को दिखाएगा। कि आप कैसे हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा जी एक दर्पण है, इसे सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप कंस जैसे दिखते हैं कि आप नंद बाबा जैसे हैं, आपके कर्म पूतना जैसे हैं या आपके कर्म कृष्ण जैसे हैं। आपको ये समझने का मौका मिलेगा, और जब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा हूं, जैसे आप कहीं जा रहे हो पार्टी में तैयार होके और आपने आखिरी में दर्पण देखा कि एक काला टीका लगा है, तो फिर चाहे आप बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं लेकिन उस काले टीके को हटाए बिना आप नहीं जाएंगे, पहले उसको हटाएंगे फिर आप आगे जाएंगे। तो इसी तरह है, जब श्री कथा जी का श्रवण करते हुए आपको जब अपने दोष नजर आएंगे तो आप उनको पहले हटाएंगे फिर जीवन के अगले पड़ाव में जाएंगे। तो कथा एक दर्पण है,
और कथा का फल क्या है? कथा का फल भगवद्गीता है। कथा सुनने मात्र से यदि हृदय गम्य हो गई तो आपकी वाणी में, आपके चेहरे पे, आपकी कार्य प्रणाली में, आपके वार्तालाप में भगवद्गीता के दर्शन होने लगेंगे। आनंद आपकी वाणी से टपकेगा, मधुरता आपका आभूषण बन जाएगा। यदि तो श्री कृष्ण को आपने अंगीकार कर लिया, फिर आपका भाव ऐसा नहीं होगा कि उसके यहां ये है मेरे यहां नहीं है। फिर आप किसी की तरक्की देख के, किसी की ऊंचाई देख के प्रसन्न होने लगेंगे। अवसाद नहीं होगा कि ये उसके पास है मेरे पास नहीं है, क्योंकि भक्त तो रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी पी, देख पढ़ाई चापड़ी मत ललचाए। जो भक्त होता है वो तो जो उसे मिलता है। स्वामी हरिदास जी बिहारी जी का नित्य व्यंजनों का 56 भोग लगाते हैं, लेकिन स्वयं चना, सूखे चना और पानी लेते हैं। बिहारी जी बोले भगवान जी बके बिहारी के, आप जो है हमें भोग लगाते हो सुंदर पकवानों का, आप ये खाते हो। हरिदास जी बोले हम संत हैं, हमें यही अच्छा है, आप तो ठाकुर हो, आपको ये सब सुहाता है। निष्किंचनता, एक छोटा सा भी भाव ना रहे, एक छोटी सी भी गांठ ना बचे, तब ईश्वर के सामिप्यता आपको आभास होने लगेगी, वो आपके साथ हो लेगा। बड़े होने से आप अच्छे पात्र हो जाएंगे ऐसा नहीं। बहुत सुंदर प्रथम श्लोक ही बड़ा सुंदर है। उन गुरुदेव को प्रणाम करके जिन्होंने जीवन में ज्ञान का दीप दिया, गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हुए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ही सत्य है ब्रह्म, और ये बकाया जो दृश्य है ये सब तो असत्य है। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, जो जन्म विकास ह्रास और मृत्यु सबका अकेला कारण बन गया, इस जीवन में इसके अलावा कुछ है नहीं। जन्म हो रहा है यहां हर चीज का, चाहे वृक्ष हो, पशु हो, मैं हूं, आप हो, जो भी इस सृष्टि में है, जन्म है, फिर अवस्था में गति है, विकास हुआ, युवा हो गए, प्रौढ़ हुए, फिर ह्रास होने लगा और फिर मृत्यु हो गई। जल है, वही जल जब आसमान से बरस रहा है तो वो बारिश है।